मैंने तो स्टंट किए हैं और एक मतलब पूरा टाइम मुझे पता है कि क्या क्या हुआ है, तो एक्साइटेड तो हूँ ही और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि जितना लोगों की उम्मीदें थी उन पे मैं खरा उतर पाई हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये शो जब टेलीकास्ट हो जाएगा तब एपिसोड जैसे जैसे आएंगे तो मुझे पता चलेगा। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जैसे कि स्पेन में क्या क्या किया उसके बारे में? अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही मज़ा आया ये शो करके और ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। और शायद अगर ये शो मैं नहीं करती तो मुझे नहीं शायद मैं ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस जो मैंने इस शो के दौरान किया वो नहीं कर पाती। इस तरह के एडवेंचर्स मैं नहीं कर पाती जो कि मुझे इस शो के दौरान करने को मिले। ओके, कितना मुश्किल था वो स्टंट्स करना जो आपने किए हैं इसके लिए? जैसा कि लाइन भी है कि लाइन सीज़न की बनाई गई पेन इन स्पेन, तो वाकई में बहुत पेनफुल रहा है और मेरे लिए ही नहीं सभी खिलाड़ियों के लिए ये पेनफुल रहा है। बहुत रोए हैं, बहुत चिल्लाए हैं इस पूरी जर्नी में, एंड लेकिन उस पेन में भी मज़ा आया, इंजॉय किया है हम लोगों ने और लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस करके मतलब एक मुझे मतलब जितना मैंने किया है मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने शो साइन किया है। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कलर्स टीवी का कि उन्होंने मुझे इस शो जिसमें बहुत सारा पेन था लेकिन पेन के साथ साथ बहुत सारा गेन भी था, बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आए हैं और बहुत सारी डिस्कवरी अपने साथ लेकर आए हैं अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, दोबारा से लोग हिला को देखने वाले हैं, सो एक्साइटेड है, नर्वस है क्योंकि अभी तक जो देखा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जितने मेरे फैंस एक्साइटेड हैं, मेरे व्यूअर्स एक्साइटेड हैं, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ कि 22 जुलाई कब आएगा, क्योंकि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर तब आपका जो रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेकर, चाहे आप हाइट से कूद रहे हैं, चाहे आप क्रीपी क्रॉलीज के साथ स्टंट कर रहे हैं, तब आपको कुछ और नहीं सूझता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ या क्या हो रहा है, ठीक तो लग रही हूँ ना कैमरा पे, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते हैं तब। बट एज एन एक्टर नाउ व्हेन द शो इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर, नाउ आई फील कि आई वांट टू सी माई सेल्फ, मैंने क्या किया है, कैसे किया है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कैसा लगता है, तो वही सब दिमाग में चल रहा है। ओके, कितना मजा आया वहाँ पे, कितना मेमोराइजिंग था आपके लिए और क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे? बहुत कुछ सीखा। सीखने को तो मतलब मैं शुरू करूँगी तो फिर ख़त्म ही नहीं होंगी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं और इतनी सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू कलर्स टीवी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ सच अ शो। ओके, अभी तक जैसे कि हमने आपको दिखाया एक अलग ही किरदार निभाते हुए देखा, इस बार हमने आपको स्टंट करते हुए हम देखने वाले, तो कहाँ ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल मानती हैं आप, कहाँ ज़्यादा मज़ा एंजॉय करती हैं? मैंने तो के में बहुत इंजॉय किया, सॉरी आई शुड बी सेइंग दिस, बट के में मैं थी जो भी थी, हंसती हुई, रोती हुई, सैड, जैसी भी थी मैं थी। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि मैंने कहीं पर भी आपको वो एक सेकंड के लिए भी आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जो हैं आप वही दिखेंगे उस पर, और आप एक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें लग रख दी जाती हैं कि जो भी निकलता है सब रियल ही निकलता है। सो या दैट्स नाइस। ओके, क्या कहना चाहिए यार अपने फैंस से? वॉच द शो गाइज, जितनी एक्साइटेड मैं हूँ मुझे पता है उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग होंगे, बट प्लीज़ डू वॉच के। आप लोग ने मुझे 8 एक अलग ही लाइट में देखा है और इस बार आप लोग मुझे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बट खैर, आप लोगों ने प्रोमो देखा, हमको देखा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा हम लोगों ने किया क्या है, कितनी मस्तियां की है, कितना सहा है कितना कुछ हुआ है हमारे साथ। लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे, हमारे जो खून के आंसू बहे हैं स्पेन में, जो हुआ है हमारे साथ में उधर, मतलब कोई तो है जो हमारी आस सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं। आप तो दर्द आज भी इसके साथ है। नहीं मतलब जो दर्द तेरे सीने में उठता है ना, पेन इन स्पेन, सोच के उस दर्द की बात कर रहा हूं पगले। थैंक यू, बट खैर वो दर्द तो चलता रहता है, लेकिन आई हैव टू टेल यू वी हैव एंजॉयड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत मजा किया, डिडंट वी? वी हैड वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब आप कलर्स वाले अगर 12 ऐसे पागल प्राणियों को उठाकर स्पेन में रख देंगे तो क्या होगा? बूम बूम धमाका ब्रो, धमाका। और वो धमाका हुआ, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। पंगा सिर्फ ये है कि वो ब्लास्ट जब हुआ तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे,
और हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारे नीचे ब्लास्ट हमारे साथ हो रहा है। बाद में मैं आपको बताऊं तो कई बार ब्लास्ट ऐसे भी हुए जिनका स्टंट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारी नाक से लेना देना था। वो व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या नॉनसेंस है, लोग बैठे हैं, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है। ओके नो बट ये सारे हीना इस चीज का गवाह है ना, हीना हीना के नाक के बाद सबसे ज्यादा जले कसम से, मैं मजाक नहीं, कभी नोज ट्रिमर की जरूरत नहीं पड़ी, मैं था ना ब्रो। ये लो आई, हां ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा है। ओके किसने किया, मैं कौन, रवि हां, मैंने नहीं किया। एवरी टाइम ही यूज्ड टू से दिस, एक बार क्या हुआ, ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं, फिर से आवाज पकड़ा गया, मैं आवाज कर, किसने किया। आई कैन नॉट टेल इट, जॉर्ज वाशिंगटन सेड दैट। दरअसल मैं आप हीना मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये और मैं प्लान करके जाते थे, इसको जब भी आता था तेरे पास आके थे, इसके पास जाके पादूंगा नहीं, हर किसी के साथ करता था ये। बट खैर एवरीथिंग केप्ट असाइड, इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट 2 भी होने वाला है। बस वी हैव टू एवरीथिंग केप्ट असाइड, वी हैव टू टेल यू कि ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था। देवता है, हमारे देवता है वो, जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय समय पर रोज आके दिया, कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो, मतलब उनको जेवरात गले में गहनों के नाम पे, उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे, बड़े 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 बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं वो, उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ, प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, हमारी आंखों के तारे कंटेस्टेंट्स, ऐसे नहीं बताएंगे हम, ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है। रवि हेल्प मी, ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस, ये पहला कंटेस्टेंट हमारा। थैंक यू हीना खान एवरीबॉडी, मेक सम नॉइज़ हीना खान। अच्छा मैं रवि नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गेस करने के लिए, बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है, ये हमारे अगले कंटेस्टेंट है। ये क्या हो रहा है, पीप क्या हो रहा है, पीप कैसे पता चला, एक सेंटेंस में 50 बीप आए पता चल गया ना, नहीं है मैं जानना चाहता हूँ पूरी पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है, मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और। भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अगला कंटेस्टेंट। अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है, दंगल दंगल ये गीता जी आज अपने अपने गीता फोगट जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए। गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई है। पवन जी कैसे, आप कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता आपको बड़ा मिस किया इन्होंने, बहुत बहुत बहुत। हाँ खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि तू फिर जीत गई, अरे तू फिर जीत गई, तू फिर वही रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस, ये हमें सुनने मिलता था। और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट, आवर फेवरेट यार, मैं एक शो खेलने से मर नहीं सकता यार, आई कांट डायर टू शो यार, ओह माय गॉड फरहान रुक, इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ। I can't ever show that. My God, Rahi. Thank you, man. तो iPhone से बोलो। I miss you so much, bro. इसके गले में सरस्वती बस बैठी हुई है। ये देख, ये देख करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। Everybody pay some attention. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी आए इसलिए शिबानी डांडेकर, शिबानी डांडेकर। ऑल ऑफ यू गाइस, वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैव हैड अ ग्रेट बंच ऑफ कंटेस्टेंट्स, इन सबके लिए एक बार जोरदार ताली। पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इंपोर्टेंट होता स्टंट, के स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया, एंड ये सीजन काफी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है। सो आई थिंक ये सीजन वैसा रहा है, एंड आप सबको पसंद आएगा। लड़कियां आप बहुत ही अच्छी थी इस बार, एंड बहुत आगे तक आई हैं, मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट
आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीजन में हम ये चाहते थे और इस सीजन में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया है. एक आध स्टंट ऐसे भी हुए हैं जहां लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियां कर गईं. एंड डिफिकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स. बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनकी वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में. कलर्स के चैनल पे एक सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो हैं बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो, इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू गेट एवरीथिंग. नहीं यार, बाकी नाराज़ हो जाएंगे. बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है क्योंकि माहौल ऐसा था. यू नो कि वो ट्रेंड भी होते गए, ट्रेन होते गए उनका डर निकलता चला गया. तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूं मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ. पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा और फिर सडनली वो फेल होने लगता है. और जो एक मतलब डार्क हाउस जिसे कहते हैं कि जो एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से. सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूं मैं. कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं. नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी करना या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं और इतना इजी नहीं होता एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं है, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं है उनको स्टंट परफॉर्म करना. सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे बट सभी स्टंट्स उन्होंने परफॉर्म किया. इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया जो पहली बार हुआ फ्यू फैक्टर में. सो दैट वाज अ न्यू थिंग. जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि कई जगह फाइट भी हुई, तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट हुआ उन लोगों को हैंडल करना? जैसे नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में. कोई सरप्राइज पैकेज था आपके लिए, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? 2-3 लड़कियां थी बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं. कुछ स्टंट्स वैसे थे कि उन लोग उस तरह से परफॉर्म, कास्ट स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया. उसका क्या रिएक्शन दूं मैं? इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्में पसंद आती है. यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं. सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम अंडर फीवर. ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं. तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही और बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है. यू नो सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, यू नो. बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं एंड बहुत सादगी है. इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है. बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं. है वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खासकर ये इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे. एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था, इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं. रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था. होटल रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर. मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ. मैं क्या बताऊँ, समझ जा.
कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी दो तीन बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे, मैं एक स्टंट का नाम ले लूंगा, बट तीन चार ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे. सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया. सो ऐसे तीन चार स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूंगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया. सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है. यू नो समटाइम्स इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो. सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. एंड इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए.